हेलो फ्रेंड्स, आज हम HCL टेक के क्वार्टर 4 21 के रिजल्ट डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले कंपनी ने जो अपने शेयर होल्डर के लिए डिविडेंड अनाउंस किया है उसके बारे में देख लेते हैं। फ्रेंड, कंपनी ने अपने शेयर होल्डर के लिए ₹16 पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। फ्रेंड, कंपनी के शेयर का प्राइस चल रहा है अभी 950 के अराउंड, तो कंपनी ने अपने शेयर प्राइस पर अराउंड 1.5 से 2% का डिविडेंड अनाउंस किया है। फ्रेंड, काफी अच्छा डिविडेंड है, तो चलिए अभी डायरेक्टली रिजल्ट पे चलते हैं। फ्रेंड, देखिए हम रिजल्ट पे आ गए हैं। फ्रेंड, जहां पर जो भी वैल्यू दे रखी है वो दे रखे हैं ₹ इन करोड़, और जो हमारे करंट क्वार्टर यानी Q4 21 के रिजल्ट है, जो हमारे पिछले क्वार्टर Q3 21 के रिजल्ट है, जो हमारे पिछले साल सेम क्वार्टर यानी Q4 20 के रिजल्ट है। फ्रेंड, हम इस क्वार्टर के रिजल्ट को क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करेंगे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करेंगे कि इस क्वार्टर के रिजल्ट कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले कंपनी की इनकम देख लेते हैं। जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है इस क्वार्टर का वो है 19,641 करोड़ रुपए। अदर इनकम है 244 करोड़ रुपए। तो इस क्वार्टर की जो टोटल इनकम है वो है फ्रेंड 19,885 करोड़ रुपए। पिछले क्वार्टर की थी 19,491 करोड़ रुपए, पिछले साल सेम क्वार्टर की थी 18,734 लाख रुपए। तो फ्रेंड, यदि हम इनकम वाइज देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपनी की इनकम इंक्रीज हुई है एंड ईयर ईयर बेसिस पे भी कंपनी की इनकम इंक्रीज हुई है। तो ओवरऑल इनकम वाइज रिजल्ट अच्छे हैं। तो देखिए अभी खर्चे देख लेते हैं। इस क्वार्टर के टोटल खर्चे कंपनी के वो है 16,518 करोड़ रुपए। पिछले क्वार्टर के थे 15,012 करोड़ रुपए, पिछले साल सेम क्वार्टर के थे 14,849 करोड़ रुपए। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है जो कंपनी का इस क्वार्टर का वो है 3,367 करोड़ रुपए। पिछले क्वार्टर का था 4,479 करोड़ रुपए, पिछले साल सेम क्वार्टर का था 3,885 करोड़ रुपए। फ्रेंड, यदि हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखे, देखिए इस क्वार्टर का पिछले क्वार्टर से कम है। क्यों कम है? क्योंकि फ्रेंड देखिए, पिछले क्वार्टर के जो खर्चे थे वो थे 15,012 पर इस क्वार्टर के 16,518, जबकि हम इनकम देखेंगे इनकम तो ओनली 400 करोड़ बड़ी है इस क्वार्टर की, पर खर्चे 1500 करोड़ बड़े हैं। तो हम कह सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन डिक्रीज हो गया है, जो कि अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है फ्रेंड, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखिए इनकम ज्यादा है पर खर्चे उससे भी ज्यादा है, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन डिक्रीज हो गया है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड अभी देख लेते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड। इस क्वार्टर का जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है वो है 1,111 करोड़ रुपए। पिछले क्वार्टर का था 3,977 करोड़ रुपए, पिछले साल सेम क्वार्टर का था 3,372 करोड़ रुपए। तो फ्रेंड देखिए, इस क्वार्टर का प्रॉफिट तो कुछ ज्यादा ही कम हो गया है यदि हम क्वार्टर और क्वार्टर ईयर बेसिस पे कंपेयर करें। यह क्यों है फ्रेंड? क्योंकि इस क्वार्टर के जो टैक्स एक्सपेंसेस है वो कुछ ज्यादा ही है। देखिए पिछले क्वार्टर में तो इनको रिटर्न भी हो गया 428 करोड़, पर इस क्वार्टर के तो कुछ ज्यादा ही टैक्सेस है, देखिए 2,256 करोड़। इसकी वजह से फ्रेंड जो इस क्वार्टर का प्रॉफिट है वो ज्यादा कम है पिछले क्वार्टर से एंड पिछले साल के सेम क्वार्टर से भी। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड अभी देख लेते हैं हम अर्निंग पर शेयर। तो फ्रेंड देखिए, जो बेसिक अर्निंग पर शेयर है इस क्वार्टर का वो है 4.06 रुपए, पिछले क्वार्टर का था 14.63 रुपए, पिछले साल सेम क्वार्टर का था 11.79 रुपए। तो फ्रेंड यदि हम बेसिक अर्निंग पर शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का काफी ज्यादा अर्निंग पर शेयर डिक्रीज हो गया अराउंड 70% एंड ईयर बेसिस पे भी कंपनी का अर्निंग पर शेयर काफी अच्छा काफी डिक्रीज हो गया है अराउंड 60% के। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फ्रेंड इस क्वार्टर के उनके टैक्स एक्सपेंसेस कुछ ज्यादा थे। तो फ्रेंड ये टैक्स एक्सपेंसेस की वजह से हम ऐसा नहीं कह सकते कि कंपनी का रिजल्ट कुछ बेकार है, पर ऑपरेटिंग मार्जिन जरूर कम हुआ है इस क्वार्टर का कंपनी का, जिसकी वजह से हमें थोड़े से रिजल्ट बेकार लग रहे हैं। तो फ्रेंड ओवरऑल कहें तो रिजल्ट ठीक ठाक से ही है, कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है। और फ्रेंड ये है एक अच्छी बात है कि कंपनी ने अपने शेयर होल्डर के लिए ₹16 पर शेयर का डिविडेंड दिया है। ओके फ्रेंड, थैंक्स।